जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, तो सभी जन गाने में दिल से भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 26, यीशु है सच्चा गडरिया। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 26, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में
हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 11, गाना नंबर 25, आवाज़ उठाएंगे। पन्ना नंबर 11, गाना नंबर 25, आवाज़ उठाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, सका कोई सागर है तुलपत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 50, गाना नंबर 113, यीशु तू अच्छा है। पन्ना नंबर 50, गाना नंबर 113, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है।
मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा तू, बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया तू, बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा तू, बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 8, गाना नंबर 18, तू मेरा परमात्मा। पन्ना नंबर 8, गाना नंबर 18, तू मेरा परमात्मा। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा पिता ने दी पवित्र रोटी, तू जिंदगी हमें दे अनंत रोटी, तू तू ही सर्वस्व है प्रभु, तू हमारे तेरे बिना सब बिना सहारे। जग जन को गले लगाता है, प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है। हमें सभी सुख वही दिलाता है, तू मेरा परमात्मा, तू मेरा प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा दा, गाउटी मेरी आत्मा प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 10, गाना नंबर 23, पिता तेरी वंदना। पन्ना नंबर 10, गाना नंबर 23, पिता तेरी वंदना।
पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 11, गाना नंबर 24, पावन आत्मा आओ। पन्ना नंबर 11, गाना नंबर 24, पावन आत्मा आओ। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, 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 पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी, 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 पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी, 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 पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा,
दान तेरा पावन आत्मा आओ भर दो मुझ में दान तेरा 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 हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना नंबर 50 गाना नंबर 114 यीशु ने मुझे चंगा किया है पन्ना नंबर 50 गाना नंबर 114 यीशु ने मुझे चंगा किया है 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 नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है यीशु ने मुझे जीवन दिया 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 है नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है यीशु ने मुझे आनंदित किया 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 भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंदित किया भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंदित किया यीशु ने मुझे चंगा किया है 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 हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना नंबर 1 गाना नंबर 2 सेनाओं का यहोवा पन्ना नंबर 1 गाना नंबर 2 सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 15, गाना नंबर 33, बोलो जय। पन्ना नंबर 15, गाना नंबर 33, बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, तेरे की आही रे मन में भर दे अपनी प्री, प्रेम तेरे की आही रे मन में भर दे अपनी प्री, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, क्रूस पर अपना खून बहा,
क्षमा, क्रूस पर अपना को न बहा, मुझ पापी को दे क्षमा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यशान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यशान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, किदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग में होवे शांति, काली का कवनो भय नहीं के, स्वर्ग में होवे शांति, काली का कवनो भय नहीं के, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु येसु देख निहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु येसु देख निहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग, ओ हमें चलावे हुए हम
मेरा के हमरे घर जिया के उहे पूरा करे ऊ हमें चलावे उहे हमेरा के हमरे घर जिया के उहे पूरा करे जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे बारी विपतिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग हमरा के कौनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग हमरा के कौनो भय अब नहीं के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना नंबर 47 गाना नंबर 108 प्यारो हिम्मत बांधो पन्ना नंबर 47 गाना नंबर 108 प्यारो हिम्मत बांधो प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशा प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशा जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान दया करो भारत पर वो हुआ परेशान दया करो भारत पर वो हुआ परेशान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान जीतेंगे हम यारो हारे का शैतान घर घर जाकर करो यारो यीशु का बयान घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान
जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी बसते जाते लाते जो इस पर ईमान, पापी बसते लाते लाते जो इस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का गान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 46, गाना नंबर 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। पन्ना नंबर 46, गाना नंबर 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा प्रभु, तेरे वचनों में चलता रहूँगा
प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि ये दिन उसने हमें दिखाया है। आज के इस दिन तक उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें सुरक्षित रखा है, उसने उसके बलवंत हाथों से हमें संभाले रखा है, वो अब तक उसने हमें बचाए रखा है। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। वो हम पर प्यार करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी सुधि लेने वाला, हमारी देख रेख करने वाला, वो हमारा सच्चा पिता है। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू अच्छा है और तू बहुत अच्छा है। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह परमेश्वर कितना सामर्थ्य से और प्यार से भरा हुआ वो परमेश्वर है। उसने इस संसार में जो भी कुछ बनाया है, उन सब की रचना करने से पहले उसने हमारा विचार किया। हमें लगने वाली सारी ज़रूरतें उसे पता थी, इसलिए हमें क्या क्या लगने वाली है और किन चीज़ों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, ये वो जानता था। इसलिए उसने हमारे लिए सब कुछ अच्छा और सुंदर निर्माण किया है। इसलिए उस निर्माणकर्ता जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। सचमुच उसने हमारा ही विचार करते हुए उसने हमारे लिए इतना बड़ा विशाल समुद्र का निर्माण किया, और समुद्र के द्वारा आज भी हमें नमक प्राप्त होता है, और उस नमक से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। एक पल के लिए सोच करके देखिए कि जो हम खाना खाते हैं, उस सब्जी में या उस दाल में यदि हम नमक न डालें तो उसका स्वाद कैसा लगेगा। वो खाना पूरा ही पूरा बेस्वाद नजर आएगा, पूरा ही पूरा बेस्वाद लगेगा।
नमक के द्वारा ही खाने में असली स्वाद आता है और उस नमक को हमारे जीवित परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। जो बिजली से हमें ऊर्जा मिलती है, जो हम बिजली प्राप्त करते हैं, लेते हैं, उसका भी निर्माण परमेश्वर ने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने नमक और कोयले का निर्माण किया और उनके द्वारा बिजली का हम निर्माण करते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। उसने हमारे लिए कितने अनेकों प्रकार के फल फूल बनाए हैं, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी बनाए हैं, इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। छोटे से लेकर के बड़ों तक को जो दूध लगता है और जो दूध हम पीते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए गाय भैंस इनका निर्माण किया, इसलिए उन्हें उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद दो जीवित परमेश्वर को, धन्यवाद दो जीवित परमेश्वर को। सचमुच वो हमारी सुधि लेने वाला, हम पर प्यार करने वाला जीवित हमारा पिता है, इसलिए उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता, हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, करते हैं। तूने तूने हमारे लिए, हमारे लिए इस सृष्टि की, इस सृष्टि की रचना की, रचना की तूने तूने हमारे लिए, हमारे लिए सारे फल फूल, सारे फल फूल, जीव जंतु, जीव जंतु, पशु पक्षी बनाए हैं, इसीलिए इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने तूने हमारे लिए, हमारे लिए सूर्य सूर्य चांद सितारे बनाए हैं, इसीलिए इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू हमें उनके द्वारा मुफ्त में प्रकाश देता है, प्रकाश देता है, इसीलिए इसीलिए हम तेरे मधुर नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारी संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को संग है, जो बात
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, जो कि हमें कभी अकेला और अनाथ नहीं रखता, वह हर घड़ी हर पल हर एक क्षण हमारे पास रहता है। हाँ प्रभु, बिल्कुल हमारे नज़दीक रहता है। हाँ प्रभु, एक पल के लिए हम उसे भूल जाते हैं। हाँ, हम उसे छोड़ देते हैं स्वार्थ में आकर के, या तो फिर हम खुद के फायदे के लिए उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, परंतु वो हमें नहीं भूलता, वो हमारा त्याग नहीं करता, वो हमें अकेला नहीं छोड़ देता, संकट में वो हमें बेसहारा नहीं रखता। हाँ, क्योंकि वो कहता है, मैं खुद के विरुद्ध बर्ताव नहीं कर सकता, जो उसने कहा है उसका शब्द वो हमेशा हमेशा पूरा करता है। उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला कभी अनाथ न छोड़ूंगा, इसीलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी अकेला नहीं रखता, वो हमेशा हमारे संग रहता है। धन्यवाद, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, वो बिल्कुल हमारे साथ बना रहता है। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ, वो हम पर प्यार करता है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। वो हमारा सच्चा चरवाहा है, हाँ वो हमारा गडरिया है। जिस प्रकार से एक सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, उसी प्रकार से हमारे प्रभु ने हमें बचाने के लिए, हमें उस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे दिया। उसने अपना प्राण दे दिया हमें बचाने के लिए। इतना वो हम पर प्यार करता है, इतना वो हम पर प्यार करता है कि उसने अपना प्यार इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पाप कर रहे थे, पापी थे, तभी उसने अपना लहू बहाया, अपने शरीर के ऊपर चाबुक की मार खाई। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए प्रभु की ओर, उसके क्रूस की ओर देखिए और दिल से उसे धन्यवाद दीजिए, दिल से उसकी स्तुति कीजिए, क्योंकि आज हम जो भी है जैसे भी है वो सब कुछ उस प्रभु की वजह से है। आज जो हम आशीषित जीवन जी रहे हैं, हमारे दिल में जो शांति है, हमारे जीवन में जो खुशी है, वो प्रभु यीशु ने दी हुई है, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की, उसने हमारी कीमत अदा की, अपना मांस और लहू देकर क्रूस के ऊपर खुद का बलिदान करके उसने हमारी कीमत चुकाई। इसीलिए उसे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तूने हमें बचाया है, तूने हमें श्रापों से मुक्त किया है, तूने हमें हमारे बीमारियों से बाहर निकाला है, हमारे बहते हुए आंसुओं को तूने पोंछा है प्रभु, हमारे दुर्बल शरीर में तूने बल लाया है। हाँ प्रभु, तेरी वजह से आज हम जिंदा है, तेरी वजह से आज हम बने हुए हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आदि और अंत तो ही है, अल्फा ओमेगा तो ही है, आदि और अंत तो ही है, अल्फा ओमेगा तो ही है, जोतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है, जोतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, जोतों की स्तुति तो ही है, बुद्धि और ज्ञान तो ही है। बुद्धि और ज्ञान तो ही है, जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा अशुद्ध सारा, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत और अंतिम है, क्योंकि वो कहता है मैं था हूँ और युगानुयुग रहने वाला हूँ, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला, वो सदा जीवी परमेश्वर है, वो इतना महान परमेश्वर है कि वो स्वर्ग में विराजमान है और वो आज इस क्षण भी हमको देख रहा है, वो हमारे दिल की ओर देख रहा है, और जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं तब उसके दिल को यह प्रिय लग रहा है, उसके दिल को यह आनंद होता है कि उसके बच्चे इकट्ठा होकर एक मन से एक हृदय से उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर उसकी स्तुति करते हैं, वैसे उसके बच्चे उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, यह उस पिता को भाता है। इसलिए दोनों हाथ स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाइए, सब कुछ भूल जाइए और अपना दिल उस परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने दिल को उस परमेश्वर की ओर जोड़िए और हृदय से उसकी आराधना कीजिए, आराधना कर, दिल की गहराई से उसे कहिए प्रभु तू अच्छा है, प्रभु तू बहुत अच्छा है, तू महान परमेश्वर है, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, दिल से उसकी आराधना कीजिए, दिल से उसकी स्तुति कीजिए। प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं,
प्रार्थना करते देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुर्बल अवस्था में वो तड़प करके उसने अपनी जान दे दी, क्रूस के ऊपर वो मर गया, परंतु वो उसी अवस्था में न रहा, वो तीसरे दिन जी उठा। तेरी महिमा करते हैं। और आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन रात उसने अपने चेलों को दर्शन दिए और उसने अपने चेलों को वादा किया कि मैं तुम्हें कभी अकेला और अनाथ न रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई की आत्मा, अपना पवित्र आत्मा दूंगा। वही पवित्र आत्मा जिस पवित्र आत्मा से उसने अपने चेलों को भर दिया, वो आज हमें देने वाला है। मांगिए उससे पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तेरे प्यार से हमें भर दे, तेरे सामर्थ्य से, तेरी शांति से हमें भर दे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन बरसा।
दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे पावन आराधना खत्म हुई। सभी लोग शांति से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 21, लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास प्रार्थना करके इन बातों को बोल रहा है। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि उसी घड़ी वह यानी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में आनंदित होकर बोलने लगा। उसने पवित्र आत्मा में बड़े खुश होकर आनंद से भरकर परमेश्वर पिता को ऐसे कहा कि हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और इन जैसे बालकों को प्रकट किया, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों को बालक की उपमा दे रहा है। ये प्रभु आनंद से भरकर जो बात बताई है, इसके पहले ऐसा हुआ था कि प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार देकर, सामर्थ देकर लोगों में अद्भुत काम दिखाने के लिए और सुसमाचार बताने के लिए भेजा था। जैसे अद्भुत काम प्रभु खुद करता था, जैसे चंगाई, छुटकारा,
प्रभु खुद लोगों के बीच में करता था वही काम करने के लिए और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लोगों तक फैलाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को लोगों के बीच में भेजा, गांव गांव नगर नगर उनको जाने के लिए कहा और जब भी वे गए तभी उनके द्वारा बड़े अद्भुत काम हो गए और वे सारे अद्भुत काम होने के बाद वे प्रभु के पास वापस आ गए, खुशी खुशी लौट गए क्योंकि परमेश्वर ने उनका जिस तरीके से इस्तेमाल किया था, परमेश्वर ने उनके हाथ से जो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए थे, जो चंगाई छुटकारा लोगों के साथ हो गया था, जिस तरीके से दुष्टात्मा भाग गए थे, ये सारे बातों को देखकर चेले बड़े उत्साहित हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे और खुश होकर वे प्रभु के पास आकर ये सारी बात उसको बता रहे थे कि हमने किन किन गांव में हम गए, किन किन नगर में गए, क्या क्या हो गया। वे बड़े उत्साहित होकर खुशी से प्रभु से ये सारी बातें बता रहे थे। प्रभु ने जब चेलों के बातों को सुन लिया तभी कुछ समय पश्चात प्रभु ने परमेश्वर पिता को ऐसे शब्द में उसका धन्यवाद किया है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ज्ञानी और समझदारों से इन सारी बातों को छिपा कर रखा और इन बालकों को प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि यही तुझे अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र अर्थात साक्षात परमेश्वर जो इंसान बनकर इस धरती पर था, जो ज्ञान से परिपूर्ण था, जो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, उसने अपने साथ रहने के लिए और अपने साथ जगह जगह जाने के लिए जिन लोगों को चुना था, जिनको चेले कहा गया है, प्रेरित कहा गया है, ये सारे चेले और प्रेरित दुनिया की नजर में बिल्कुल साधारण लोग थे। प्रभु यीशु के चेलों में ऐसे कोई चेले थे जो अनपढ़ भी थे। बिल्कुल अनपढ़ और साधारण लोगों को प्रभु ने अपने चेले होने के लिए चुन लिया था, जबकि प्रभु खुद महिमा से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ और सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसने अपने साथ रहने के लिए दुनिया के होशियार लोगों को नहीं चुना, ज्ञानियों को, विद्वानों को, समझदारों को प्रभु ने अपने चेले बनकर नहीं चुना था। उस समय उन दिनों में इज़राइल में कितने सारे ज्ञानी लोग थे, कितने सारे नियम शास्त्र के व्यवस्था के पंडित थे, कितने सारे व्यवस्था के शिक्षक थे, कितने सारे समझदार और विद्वान और होशियार लोग इज़राइल देश में थे। पर जब प्रभु इस धरती पर इंसान के रूप में आया तब उसने उनमें से किसी को अपना चेला बनने के लिए नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जो बिल्कुल अनपढ़ थे और दुनिया की नज़र में एकदम साधारण लोग थे। परमेश्वर ने इन साधारण लोगों को चुना, उनको स्वर्ग के ज्ञान से भर दिया, उनको स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दिया और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसीलिए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में बहुत आनंदित हो गया। ज्ञानी दूर रह गए, दुनिया के विद्वान दूर रह गए, दुनिया के पंडित और समझदार लोग दूर रह गए और ये जो अनपढ़ साधारण लोग थे इनको परमेश्वर ने चुना, इनको परमेश्वर ने स्वर्ग के ज्ञान से भर दिया, स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दिया और इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये अनपढ़ और दुनिया के साधारण लोग थे और इसीलिए प्रभु यीशु उनको बालक की उपमा दे रहा है। तूने ये सारी बातें यानी स्वर्ग के सारे राज, स्वर्ग का सामर्थ्य, स्वर्ग की महिमा इनके लिए प्रकट की। समझदारों को नहीं चुना, ज्ञानियों को नहीं चुना, बल्कि प्रभु ऐसा कहता है कि उनसे ये सारी बातें तूने छिपा के रखी। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा बनकर धरती पर आया था, वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इस सच्चाई को इन अनपढ़ लोगों ने पहचान लिया था, पर इज़राइल के विद्वान पंडित जितने सारे होशियार और ज्ञानी लोग थे उन्होंने इस सच्चाई को नहीं पहचाना था।
जबकि उन्हें व्यवस्था का ज्ञान था, उनके पास भविष्य वक्ताओं की किताबें थे जिनमें मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई थी और उन्हें अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में इंसान की तरह पैदा होने जा रहा है। सारे धर्म पंडित ज्ञानी लोग इस बात को जानते थे, तो भी जब मसीहा आ गया उन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना। मसीहा जब आएगा तब उसका जन्म कैसा हो जाएगा, आने के बाद वो क्या क्या करेगा, ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं के किताबों में लिखी गई थी और इज़राइल के ज्ञानी उस बात को जानते थे। तो भी मसीहा आने के बाद और उसके कामों को देखने के बाद भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को उनसे छिपा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें मसीहा के बारे में सारी बातें कितने साल पहले से मालूम थी, सैकड़ों साल पहले से मालूम थी, वे मसीहा को नहीं पहचान पाए। और जो साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने ऐसी दया की कि उन्होंने मसीहा को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। इन साधारण लोगों ने मसीहा को पहचान लिया और इसीलिए वे प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे। उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यीशु का हाथ पकड़कर चलना उन्होंने शुरू किया और परमेश्वर ने इन साधारण लोगों को स्वर्ग के ज्ञान से और सामर्थ से भर दिया। इसीलिए हम बाइबल में वो घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पूछा था कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोगों के सोच विचार क्या है, मेरे बारे में लोगों का कहना क्या है, मैं कौन हूँ, क्योंकि लोग इतने सारे अद्भुत काम देख रहे थे, प्रभु यीशु के द्वारा इतने सारे चिन्ह और चमत्कार लोग देख रहे थे, तो लोगों का कहना क्या है। तभी चेलों ने जवाब दिया, कोई आपको बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है, क्योंकि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को हेरोदस राजा ने मार डाला था, लोगों को लगता था शायद वही जिंदा हुआ रहेगा, इसलिए उसके पास इतना बड़ा सामर्थ्य है। कोई कहता है ये एलिया है, कोई कहता है भविष्यवक्ता इतने सारे मर गए हैं, उनमें से कोई तो एक वापस उठ गया होगा, इसलिए तो उनके पास उसके पास इतनी अद्भुत शक्ति है। तभी प्रभु यीशु ने आगे सवाल किया, फिर तुम मुझे क्या कहते हो, लोगों के मेरे बारे में अलग अलग अंदाज है, कोई मुझे बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना समझते हैं, कोई मुझे एलिया समझते हैं, कोई मुझे भविष्यवक्ताओं में से इतने सारे नबियों में से एक है ऐसा समझते हैं, पर तुम्हारा कहना क्या है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते है। और तभी प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पत्रस, जो कि बिल्कुल अनपढ़ मनुष्य था और एक मछुआरा था, उसने प्रभु को जवाब दिया कि प्रभु तुम मसीहा जीवते परमेश्वर के पुत्र हो। और जब पत्रस ने ऐसे कहा कि तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हो, तभी प्रभु यीशु ने उससे कहा कि धन्य तुम्हारी, क्योंकि मांस और लहू से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस के बारे में हम जानते हैं ये प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था, पर ये बिल्कुल साधारण मनुष्य था। प्रभु की पहली मुलाकात जब भी उसके साथ हो गई, तभी वो समुंदर के किनारे अपना जाल साफ कर रहा था। मछली पकड़ने वाला एक अनपढ़ मछुआरा को प्रभु यीशु ने अपने चेले के रूप में चुन लिया, उसे प्रमुख चेला बना दिया और वो बोल रहा है कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, हमने जान लिया है, हमने पहचान लिया है, हमने विश्वास किया है कि तू मसीहा है। ये कौन बोल रहा है? जो अनपढ़ मछुआरा बिल्कुल साधारण मनुष्य है वो बोल रहा है कि तू मसीहा है। और जिनके पास मसीहा की सारी भविष्यवाणी है, जिन्होंने इन सारी भविष्यवाणी को बार बार पठन किया है, वे ज्ञानी और विद्वान प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे ये मसीहा नहीं है, मसीहा अभी भी दुनिया में आने वाला है, मसीहा आया ही नहीं है। जिनके पास मसीहा की भविष्यवाणियों के ग्रंथ पड़े थे, वे लोग मसीहा पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मसीहा को पहचाना नहीं। और जो साधारण अनपढ़ लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया
क्योंकि जैसा कि प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर ने सच्चाई को उनके सामने से छिपा कर रखा और इन बालकों को प्रकट किया, साधारण लोगों को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए 2000 सालों से दुनिया में यही चल रहा है। परमेश्वर अपना स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय ज्ञान बालकों को प्रकट कर रहा है और दुनिया के विद्वान, ज्ञानी, समझदार उन सबों से इन बातों को छिपाए रखा जा रहा है। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये किसी मनुष्य के मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा है। स्वर्ग की बातों को प्रकट करना, स्वर्ग की महिमा को प्रकट करना, ये मनुष्य की मर्जी से नहीं चल रहा है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। गए 2000 सालों में यही हो रहा है कि दुनिया के अनपढ़, साधारण, बिल्कुल साधारण लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया हो रही है और परमेश्वर उनके सामने स्वर्ग के राज को खोल रहा है, उनके अंदर स्वर्ग का सामर्थ और स्वर्ग का ज्ञान भर रहा है और दुनिया के ज्ञानी और समझदार दूर रह गए हैं, उनसे ये सारी बातें छिपी जा रही है। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? वजह क्या है? क्यों परमेश्वर ने ज्ञानियों से इन सारी बातों को छिपा कर रखा और क्यों परमेश्वर ने अनपढ़ और साधारण लोगों के सामने ये सारी बात को प्रकट किया? वजह यह है कि बाइबल में बार बार लिखा गया है, परमेश्वर को नम्र दिल अच्छा लगता है और अहंकारी दिल बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को नम्र दिल अच्छा लगता है, छोटे बालक के समान। इसलिए इन साधारण लोगों को प्रभु यीशु ने बालक की उपमा दी है, जबकि वे बड़े लोग थे, उम्र से बड़े थे, पर दिल में बालक थे। उनका शरीर बड़ा था, उनकी उम्र ज्यादा थी, पर वे आत्मा में, वे अपने दिल में छोटे बालक के समान थे। और इसीलिए प्रभु कहता है कि तूने इन सारी बातों को बालकों को प्रकट किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनका दिल बालक के समान हो और जो नम्र बन गए हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर हटा देता है जो अपने मन में बड़े अहंकारी बन जाते हैं, जो गर्व से भर जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर देखना परमेश्वर को पसंद नहीं है और ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम दिखाना भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने साफ कह दिया था कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य छोटे बालक के समान है। जो छोटे बालक के समान बन जाते हैं, वही परमेश्वर के घर में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जिनका दिल छोटे बालक के समान नहीं बन गया हो, वे परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ज्ञानी, विद्वान और समझदार, जिनके पास दुनिया का कितना सारा ज्ञान होता है, उनमें से बहुत सारे लोग अपने मन में अहंकारी बन जाते हैं। ज्ञानी और समझदारों में से यदि नम्र व्यक्ति को ढूंढना होगा तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हजारों या लाखों में एक खाद व्यक्ति हमें ऐसा मिल सकता है जो ज्ञानी है तो भी मन में नम्र बन चुका है। ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्ञानी लोग हमेशा अहंकार से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है और इसीलिए लोगों ने हमें हर प्रकार का सम्मान देना चाहिए, लोगों ने हमारे सामने घुटना टेकना चाहिए, अपनी गर्दन को झुकाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ समझता है। वे खुद अपनी गर्दन झुकाने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि दूसरों ने उनके सामने अपनी गर्दन झुकाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वजह है कि परमेश्वर ज्ञानी और समझदारों को अपना ज्ञान प्रकट करना नहीं चाहता है। यही वजह है कि परमेश्वर ज्ञानी और समझदारों के सामने स्वर्ग का राज प्रकट करना नहीं चाहता है। अहंकारी लोग, गर्व से भरे हुए लोग परमेश्वर उनके ऊपर देखना पसंद नहीं करता है और नम्र लोग,
बालक के समान बने लोग परमेश्वर को बहुत पसंद आते हैं, परमेश्वर उन पर ज्यादा प्रेम करता है और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जल्दी होता है और ऐसे लोग परमेश्वर के ज्ञान से, स्वर्ग के ज्ञान से और स्वर्ग के सामर्थ्य से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम नए नियम में पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कितने बार शास्त्री, फरीसी, याजक, धर्म पंडित प्रभु यीशु के पास आते थे, हर किसी न किसी बात के ऊपर बहस करते थे। कुछ कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि वे अपने आप को लोगों के सामने धर्मी ठहराने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। अपने आप को धर्मी ठहराने की उनकी कोशिश होती है, अपने आप को धर्मी ठहराने की। लोग हमें धर्मी कहे, लोग हमें भला कहे, लोग हमें बड़ा कहे। जिनको बड़ा बनना है, जिनको लोगों के सामने धर्मी बनना है, ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। करने वाला परमेश्वर है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसे परमेश्वर छोटा करता है और जो अपने आप को छोटा करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है, बड़ा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया है कि एक बार एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, जबकि चुंगी लेने वाला मंदिर में पीछे खड़ा था, क्योंकि वह ऐसा सोचता था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तो मंदिर में परमेश्वर के नजदीक जाने के, करीब जाने के मैं लायक नहीं हूँ। वो दूर खड़ा था और जो फरीसी था वो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था और इसीलिए वो मंदिर में बहुत आगे खड़े होकर ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं कितना धर्मी मनुष्य हूँ, मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म किया करता हूँ, मैं कुछ बुरा काम गलत काम नहीं करता हूँ, जैसा कि ये चुंगी लेने वाला जो पीछे खड़ा है वो अधर्मी और पापी है, उसकी तरह मैं नहीं हूँ। फरीसी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने कि मैं धर्मी मनुष्य हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पापी मनुष्य नहीं हूँ। और वो पीछे दूर जो खड़ा चुंगी लेने वाला खड़ा था वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लिखा गया है कि वो रोकर बोल रहा था, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु कहता है कि पहला नहीं बल्कि वो दूसरा धर्मी ठहरा कर अपने घर वापस चला गया। ये पहला जो फरीसी अपने आप को धर्मी बता रहा था उसे परमेश्वर ने धर्मी नहीं ठहराया, बल्कि वो चुंगी लेने वाला जो दुनिया की नजर में पापी मनुष्य था और वो खुद अपने आप को पापी महसूस करता था, वो जानता था कि मैं पापी मनुष्य हूँ और उसी रीति से वो प्रार्थना भी कर रहा था, पश्चाताप भी कर रहा था कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, उसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। अब जान लो, अहंकारी लोग कभी भी परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की बातों को नहीं पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया 2000 साल से यही चल रहा है। आप देखो, जहां कहीं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना होती है वहां जो लोग विश्वासी होते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उनमें से साधारण लोग ज्यादा रहते हैं और ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार लोग एकदम कम होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, ऐसा नहीं, होते हैं पर बहुत कम होते हैं। यानी जो ज्ञानी है, दुनिया की नजर में ज्ञानी है पर आत्मा में नम्र बन चुके हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपना ज्ञान और सामर्थ्य प्रकट करता है। ज्यादातर साधारण लोग, अनपढ़ लोग जो अपने मन में नम्र बन चुके हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। वे लोग परमेश्वर की बातों को पहचानते हैं, वे परमेश्वर को पहचानते हैं और अपने जीवन से अंधकार को निकालकर रोशनी से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, अहंकारी लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अहंकारी लोग परमेश्वर के पास आएंगे भी
तो भी वे परमेश्वर के राज्य में बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को पहचान नहीं पाते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को पहचान नहीं पाते हैं और अपने आप अंधकार में चले जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर नम्र लोगों को अपना सामर्थ प्रकट करता है, नम्र लोगों को अपना ज्ञान प्रकट करता है, नम्र लोगों के जीवन में स्वर्ग के राज्य की बातें प्रकट करता है, अहंकारी लोगों के साथ नहीं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शुरू में नम्र रहते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके सामने स्वर्ग की बातें प्रकट करता है, और कुछ समय के बाद स्वर्ग की बातों को जानने के बाद वे बड़े अहंकारी बन जाते हैं, उनसे भी ये सारी बातें वापस ली जाती है। परमेश्वर अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है, आज तक ऐसा ही चल रहा है, कभी परमेश्वर अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है। आप बाइबिल का पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे जितने सारे लोग, जितने सारे राजा महाराजा अहंकारी बन गए थे, सबों को परमेश्वर ने मिट्टी में मिला दिया। अहंकारी मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम मिट्टी से बनाए गए लोग हैं, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कल का दिन नहीं जानते हैं, अगला पल नहीं जानते हैं। हमारी सांस परमेश्वर के हाथ में है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, तो हमें अपने आप में पूरी तरह से नम्र बनना जरूरी है। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएंगे, कितने भी बड़े, तो भी हमें ये बोलना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ परमेश्वर की वजह से हूँ। उसने मुझे जिंदा रखा तो मैं जीवित रहूँगा, उसने मुझे चलाया तो मैं चलते रहूँगा, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। जितने सारे लोग मन में नम्र बन जाते हैं उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्ग की बातें प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के एक सेवक हमेशा बोलते थे कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा तब आप नीचे हो जाओ, वो और ऊंचा उठाएगा आप और नीचे हो जाओ। जितना परमेश्वर आपको ज्यादा ऊंचा उठाएगा उतने आप ज्यादा नम्र बन जाओ, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाएगी और वो आपको ऊंचा उठाते जाएगा। परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करता है, अहंकारी लोगों से नहीं। परमेश्वर नम्र लोगों को चाहता है, अहंकारी लोगों को नहीं चाहता है। प्रभु यीशु के सारे चेले अनपढ़ लोग थे, साधारण लोग थे, और इन्हीं चेलों को प्रभु ने इतना ज्ञान दिया, इतना सामर्थ दिया कि इन चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अनपढ़ लोग, साधारण लोग क्या कर सकते हैं? हम बाइबिल में देखते हैं और गए 2000 साल का इतिहास इस बात की गवाही है कि प्रभु के अनपढ़ चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग का राज और स्वर्ग की बातें उनको प्रकट की गई थी, उन्हें स्वर्ग का ज्ञान मिल गया था, स्वर्ग का सामर्थ्य मिल गया था, और परमेश्वर ने ये सारी बातें उनको इसीलिए दी क्योंकि वे बालक के समान थे, उनका दिल बालक के समान था। यदि आप बालक के समान बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के ज्ञान से भरने के लिए तैयार है। कितने सारे लोग सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर का बहुत ज्ञान मिलना चाहिए, बहुत सामर्थ्य मिलना चाहिए, पर इसके पीछे मकसद क्या है? आप क्यों चाहते हैं सामर्थ्य? आप क्यों चाहते हैं परमेश्वर का ज्ञान? क्या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए? कितने लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रेरित चरित में लिखा गया है कि एक जादूगर था और उसने जब ही देखा कि प्रभु यीशु के चेले लोगों के सर पर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद जिन पर हाथ रखा जाता है वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है। जब इस जादूगर ने देखा कि चेलों के हाथ रखे जाने के बाद लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, तभी उसने चेले से पत्रस से ऐसा कहा कि मुझे भी ये परमेश्वर का वरदान चाहिए, मुझे भी ये सामर्थ्य चाहिए, ऐसा दान मुझे चाहिए कि मैं जिन जिन के ऊपर हाथ रखूं उन्हें भी पवित्र आत्मा मिल जाए। और वो अपना पैसा देकर, संपत्ति देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहता था। जब ही पत्रस ने ये देखा और सुना, उसे बड़ा गुस्सा आ गया और पत्रस ने उसे कहा कि तेरी संपत्ति, तेरी जायदाद, तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश की है।
पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदने की कोशिश की है। जादूगर का मकसद क्या था? पत्रस हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। यूहन्ना हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। थॉमस हाथ रखता है, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। जादूगर देखता है, उसे अंदर ही अंदर लग रहा है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि मैं बड़ा बन जाऊं और लोग मेरे सामने अपने गर्दन को झुकाए। वही चाहता था ना, इसलिए तो पत्रस ने कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए, तूने पैसा देकर परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के ज्ञान को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो पहले उसके पीछे मकसद क्या है ये जरा ढूंढो। आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छोटा करेगा। आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बन जाए ताकि लोग आपके सामने गर्दन झुकाए, आप लोग आपका सम्मान करें, परमेश्वर आपको छोटा करेगा। आप छोटे बन जाओ, आप नम्र बन जाओ, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद आपको स्वर्ग के ज्ञान से और स्वर्ग के सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा बाइबिल हमें गवाही देती है कि परमेश्वर कभी भी अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता है। वो अहंकारी लोगों को हमेशा ठुकरा देता है, और नम्र लीन जो मन में बालक के समान बन गए हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें स्वर्ग के ज्ञान से भर देता है। प्रभु यीशु के हर एक चेले का हम काम देखते जाएंगे तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे इन अनपढ़ लोगों ने इतना बड़ा काम किया, कैसे उनको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। बाइबिल में पत्रस के दो खत लिखे गए हैं, उनमें कितना बड़ा ज्ञान है। पत्रस की पहली पत्री और पत्रस की दूसरी पत्री, इनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है। पर यह मनुष्य कौन था? मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। परमेश्वर ने स्वर्ग के ज्ञान से उसको भर दिया क्योंकि उसका दिल बालक के समान नम्र था। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। आपके पास कितनी सारी डिग्रियां है, आपके पास दुनिया का कितना ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे ब्रदर भी हमेशा कहते थे, वे बहुत पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वे प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे पास तेरा सामर्थ्य क्यों नहीं है। वे हमेशा कहते थे, जब उनके पास सामर्थ नहीं था, वे हमेशा कहते थे कि मैं दूसरों को देखता था। प्रभु के दूसरे सेवक जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वे लोगों के सर पे हाथ रखते थे, लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था, लोग चंगाई पाते थे, और मैं हाथ रखता था, कुछ नहीं हो जाता था। मैं हमेशा प्रभु के पास प्रार्थना करता था कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको तूने इतना सामर्थ दिया है और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तू मुझे सामर्थ क्यों नहीं देता है। तभी प्रभु ने उनको ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारी जो डिग्री है उसको फेंक दो, मैं उसके ऊपर नहीं देखता हूं। तुम्हारे दिल में इस बात का गर्व भरा है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, उस डिग्री को तुम्हारे दिमाग से निकाल डालो, तभी मैं तुम्हें सामर्थ्य से भर दूंगा। और ब्रदर कहते हैं कि तभी मैंने जान लिया, परमेश्वर हमारी डिग्री नहीं देखता है, वो हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखता है, वो हमारी दुनिया भर की बातें नहीं देखता है, या दुनिया का ज्ञान और हम दुनिया में कितने सम्मानित हैं वो नहीं देखता है, परमेश्वर हमारा दिल देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य से भर दिया, इतना बड़ा सामर्थ्य कि आप जानते हैं कि उनके द्वारा पूरे महाराष्ट्र में और भारत में कितना बड़ा परमेश्वर का काम हो गया। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो बालक के समान नम्र बन गए हैं। जो बालक के समान नम्र बन जाते हैं उनको परमेश्वर स्वर्ग की बातें प्रकट करता है, उन्हें स्वर्ग के ज्ञान से भर देता है, स्वर्ग के सामर्थ्य से भर देता है, और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा दुनिया में हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अहंकार छोड़ दो, अहंकार एक मूर्खपन है, अहंकार एक व्यर्थ बात है, और अहंकार एक ऐसी बात है जो हमारा खुद का नुकसान कर देती है। अहंकार से कुछ नहीं होता है। हम बड़े बनना चाहते हैं, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे हमें धर्मी कहे, दूसरे हमें बड़ा कहे, ऐसा हम चाहते हैं, इससे हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। नम्र बन जाओ, जितने हम नम्र बन जाते हैं खुद का फायदा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करता है,
नम्र लोगों को स्वर्ग के ज्ञान और सामर्थ्य से भर देता है और नम्र लोगों के द्वारा इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा नाम सुमित्रा परमार है, मैं नाला सोपारा में रहती हूँ और मेरी ये गवाही है कि हमारा रूम भायंदर में है, 2-3 महीने से खाली पड़ा था और जो भी बारोत्री रहने आते थे और वो लोग टोकन देते थे और कैंसिल हो जाता था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उधर जाके प्रार्थना करूँ और जैसे हम लोग मेरे दो बेटे और मैं तीनों जन ने जाकर उधर प्रार्थना की आशीष तेल और उधर प्रार्थना की और तेल को छिड़का और ऐसे ही हम लोग आधा घंटे में बस में बैठे ऐसे ही फोन आया कि तुम्हारे रूम एक जन को पसंद आ गया है और हमें अच्छा बढ़ोतरी मिला है। उसके बदले पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरे बच्चे की ये गवाही है कि वो एक दिन दोपहर को बाहर गया था, उधर से उसको बहुत बुखार चढ़ गया और सिर दर्द होने को आया। तो उधर से आया वो और उसको इतना गले में दर्द हो रहा था, 3 दिन तक उसको बुखार था। लेकिन YouTube पर हम लोग कार्यक्रम देखते रहे और आशीष तेल का इस्तेमाल करते रहे और उसका बुखार पूरी तरह ठीक हो गया और गले का दर्द भी ठीक हो गया। उसके बदले पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम विनय परमार है, मैं नाला सुपारा में रहता हूँ। मुझे 19 दिसंबर को बुखार और गले में दर्द और सिर दर्द हो रहा था, बाद में मैंने ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया और 3 दिन बुखार रहा और तो भी गले में टॉन्सिल था तो बाद में वो भी ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते रहा और टॉन्सिल और बुखार निकल गया। इसलिए 15-20 दिन से मुझे ठीक है अभी, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं नाला सुपाड़ा से आया हूँ, मेरा नाम जयराम यादव है। मैं जिस मालिक के रूम में रहता हूँ उसको मैं भाड़ा दे चुका था लेकिन उसने मानने के तैयार नहीं था, बोला कि नहीं तुमको भाड़ा देना पड़ेगा। तो मैंने प्रभु के पास प्रार्थना किया और तेल लगाते रहा, प्रार्थना करते रहा। तो जनवरी में जब भाड़ा देने गया तो नवंबर को भाड़ा माफ़ कर दिया, खाली दिसंबर को भाड़ा लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा गवाह है कि मैं जहाँ पे काम कर रहा था मेरे उंगलियों में मार लग गया था तो मैंने आशीषी तेल रखा था, लगाया प्रभु के, लगाते गया वो भी ठीक हो गया। मेरा गवाह है कि मैं जिस रूम में रह रहा था 3 बजे रात को सोया हुआ था, 3 रूम में चोरी हो चुका था और हमारे रूम पे आया था, खिड़की खोल के हाथ डाल चुका था वो, मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। तो मुझे लगा अचानक कोई जगा के बैठा दिया, मैंने देखा उसको सामने से वो हाथ डाला हुआ था। तो मैंने देखा कि 3 बज रहा है, कौन खिड़की खोल रहा है, तो देखा उसके खिड़की से हाथ डाला हुआ था। तो प्रभु ने मुझे जगाया, बचाया, मेरा मोबाइल चोरी भी नहीं हुआ, सुरक्षित रखा घर। इसके लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु ईश्वर। कलकत्ता से भाई देबासिस दास ने लिखा है, 1 साल से मेरे दाहिने पैर पर एक गांठ आई थी, वो गांठ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। उसकी वजह से मुझे उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी और बहुत दर्द भी होता था। मैं हमेशा यूट्यूब पर आशीष प्रार्थना घर का कार्यक्रम देखता हूँ और हमेशा पूरे विश्वास से प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहा। एक दिन प्रभु यीशु की कृपा मुझ पर हो गई, वो गांठ फोड़ी की तरह फूट गया और उसमें से पीप निकलने लगा। उसके बाद से वो जगह पूरी तरह से अच्छा हो गया। प्रभु की दया से 20 से 25 दिन हो चुके, गांठ नष्ट हो गई, इसलिए मैं प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं, अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। प्रभु मैं तुझे खोज रहा,
जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, उसका धन्यवाद करते जाओ। प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, अभी अभी प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। हृदय से उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। चरायों
और अभी अपना पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, मन के सारे विचारों को दूर कर दो, दिल प्रभु की ओर लगाओ, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, उस पर विश्वास करो, उसे अपने दिल में ग्रहण करो। वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमें पापों की क्षमा देकर बचा सकता है, अनंत जीवन उसी के पास है। दिल से उस पर विश्वास करो और अभी याद करो, आपके दिल में किसके लिए गुस्सा है, आप किससे नफरत करते हैं, किसका बदला लेना चाहते हैं, याद करो और उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, क्षमा करो। क्षमा करो, यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। टच टच, और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, सारे पाप नम्रता से कबूल करो, क्योंकि जो पाप कबूल करते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। वो महान प्रभु, वो जिंदा प्रभु हमारे सारे पापों को जानता है, इसलिए पापों को छिपाने की कोशिश ना करो, कबूल करो। आपके मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक करना, व्यर्थ बातें बोलना, कबूल करो। चोरी, व्यभिचार, हत्या, अहंकार, स्वार्थ, परमेश्वर को दोष लगाना, नशीली चीजों का सेवन करके खुद का और परिवार का नुकसान करना, नशीली चीजों का धंधा करना, कबूल करो, कबूल करो। और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करती हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। और अभी उन पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। आंसू बहाकर कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं पापी हूं, तेरे सामने खड़े होने के भी मैं लायक नहीं हूं, मैं महापापी हूं, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। प्रभु सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और अभी अपने हाथों को उठाकर पापों की क्षमा मांगो। आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो, जिस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ था, और उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, इस दुनिया में मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे तेरी गोद में ले प्रभु, दया कर मुझ पर,
मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, दया कर दया कर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जखम सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, और इसी समय आप जिन चीजों पर आशीष चाहते हैं जैसे कि पानी तेल रुमाल और किसी भी चीज पर आशीष चाहते हैं तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु उन चीजों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं, ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए तूने क्रूस पर
चांदी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, आशीष प्रार्थना घर में हर शुक्रवार और रविवार 1 घंटे की उपासना प्रार्थना होती है। आप उस प्रार्थना में सहभाग ले सकते हैं। दिन में 3 बार यह प्रार्थना होती है, सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक। ऐसे इस प्रार्थना का समय है, सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक। ऐसे इस प्रार्थना का समय है। हर प्रार्थना में हम सीमित लोगों को ही ले सकते हैं, इसलिए आप यदि इस प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं तो पहले फ़ोन पर से नाम देना ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर पहले आपको फ़ोन करके नाम देना है कि आप कौन से दिन और कौन से समय प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं। ध्यान में रखिए कि बिना नाम लिखवाए जो आएंगे उनको हम प्रवेश नहीं दे पाएंगे, इसलिए आने से पहले आपको नाम देना ज़रूरी है। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। मेरा जीवन बदल गया।